नमस्कार, शिवसेना के बोंपू संजय राउत का लाउड स्पीकर बंद करने के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको याद ही होगा कि दो दिन पहले ही संजय राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र का ओवेसी बताया था, जिसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता भड़क गए और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत के सामना वाले ऑफिस के सामने एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है, जिस पर संजय राउत की गाड़ी पलटने वाली तस्वीर लगाई गई है और उस पोस्टर में पूछा गया है कि क्या संजय राउत इस घटना को दोहराना चाहते हैं। गौरतलब रहे कि काफी समय पहले संजय राउत एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों नेताओं में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को घेरते हुए उनकी गाड़ी को पलट दिया था। वही तस्वीर अब संजय राउत के ऑफिस के सामने लगाते हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद कर ले, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मस्जिदों में अजान पर लाउड स्पीकर बैन करने के मुद्दे में राज ठाकरे ने शिवसेना की घेराबंदी कर ली है और उसी के चलते बौखलाए संजय राउत अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को ओवेसी की संज्ञा दे रहे हैं, जिसका राज ठाकरे के कार्यकर्ता भरपूर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी सौंपने की मुहिम वाली शुरुआत कर दी है, जिसके बाद शिवसेना के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों ने शरद पवार को सीएम बनाने की मुहिम शुरू की, तो शिवसेना के नेताओं ने शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी है। यानी कि कांग्रेस के नेता शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो शिवसेना के नेता शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार साफ साफ देखने को मिल रही है। उद्धव सरकार में कांग्रेस की महिला विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने शरद पवार की तारीफों के कसीदे पढ़े तो शिवसेना में हड़कंप मच गया और शिवसेना ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि शरद पवार इतने ही ज्यादा अनुभवी हैं तो उनका फायदा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, इसलिए यूपीए अध्यक्ष की गद्दी से सोनिया गांधी को उखाड़ फेंक कर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यूपीए की अध्यक्ष गद्दी सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी दरार की वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष लगातार महाविकास अघाड़ी गैंग में सेंधमारी कर रहा है और शिवसेना के 25 विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा भी विपक्ष द्वारा ठोका गया है और जल्द ही शिवसेना के 25 विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की बात भी बीजेपी नेताओं द्वारा कही गई है। राज ठाकरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना की सारी हवा निकाल करके रख दी है। उखाड़ दिया वाले पत्रकार और शिवसेना के बोपू संजय राउत की एकड़ी निकालने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ऑफिस के सामने एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर वार के जरिए संजय राउत को आड़े हाथों लिया है और संजय राउत को पुराने दिन याद दिलाते हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि क्या संजय राउत इस वारदात को दोहराना चाहते हैं। ऐसे में राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक महाराष्ट्र में सभी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन करने के अल्टीमेटम के दौरान ही बीजेपी और एमएनएस के नेताओं ने महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए फ्री में लाउड स्पीकर बांटने भी शुरू कर दिए हैं और उद्धव सरकार इसका विरोध कर रही है। हरी टोपी के बोंपू बनने वाले संजय राउत की एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बोलती बंद करके रख दी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव सरकार और शिवसेना गिरती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर जवाब देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिवसेना इस पूरे ड्रामे को मुख मदिर बन करके देख रही है। हरी टोपी की लालसा में शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर शिव सैनिकों को नाराज करने का काम भी कर दिया है, जो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए घातक साबित होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के दौरान ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने
आज दिल्ली में 10 जनपद पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पर किए जा रहे प्रहार पर भी इसमें चर्चा होनी संभावित है। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने वाले बयान ने कांग्रेस और शिवसेना में आपसी दरार को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस के प्रेम को देखने के बाद शिवसेना के भी होश उड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस की मंत्री यशोमती ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यदि शरद पवार महाराष्ट्र में अगाड़ी गैंग के मुख्यमंत्री होते तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि आज कुछ अलग ही होती। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके पास काफी ज्यादा अनुभव है। वहीं उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने नील बटे सन्नाटा बताया, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं को तगड़ी वाली मिर्ची लगी। उसी के जवाब में शरद पवार के अनुभव का फायदा यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा कर लेने की सलाह भी कांग्रेस को शिवसेना नेताओं की तरफ से दे दी गई। इसी मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। पहले से ही महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 विधायक दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर के उद्धव सरकार से छुटकारा पाने की सिफारिश कर चुके हैं। ऐसे में आघाड़ी गैंग के इन फरार विधायकों द्वारा बगावती सुर लगातार अपनाए जा रहे हैं, जो शिवसेना को कतई रास नहीं आ रहे। ऐसे में एक बार फिर से उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने तय हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी सौंपने से उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लगेगा, ये तय है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन का टूटना भी तय माना जा रहा है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पूर्व में भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर उद्धव ठाकरे को बैठाने से नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो उद्धव ठाकरे को हमने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया था। उसके बाद शरद पवार लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी हैं, उनसे सीक्रेट मीटिंगें कर रहे हैं। पीएम मोदी से भी वो कई बार मिल चुके हैं, अमित शाह से मिलने के लिए वो गुजरात पहुंच चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कोई ना कोई तगड़ी वाली खिचड़ी पका रहे हैं, जिसमें शिवसेना का दी एंड होना तय है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे फिलहाल दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हरी टोपी के चुंगल में फंस चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव भी हैं और इसी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जगह ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शिव सैनिक भी फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के नेता अब बंगवा छोड़कर के हरी टोपी में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना को तगड़ा झटका लगेगा, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम जो कांग्रेस के नेताओं से शुरू की गई है, और उसके बदले में शिवसेना के नेता जो यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर जो शरद पवार को बैठाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, इससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आपसी तनाव बढ़ेगा। इनके नेताओं में आपसी दरार पड़नी तय है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की जो कांग्रेस द्वारा मुहिम शुरू की गई है, उस पर शिवसेना का क्या रिएक्शन होगा, आने वाले समय में क्या उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी छोड़ने जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, या फिर वाकई शरद पवार को यूपीए की अध्यक्ष गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।